Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is grade 2 English and today we will inshallah be doing an exercise from your textbooks. This is page number 5 and exercise C. So open your books to page number 5. This is exercise C, phonics focus. अब फोनिक्स क्या होते हैं वो आ फोनिक्स लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट देम फोनिक्स जो होते हैं ये अल्फ़ाबेट राइटिंग सिस्टम होता है ठीक है किसी लैंग्वेज का तो उसमें प्रोनंसिएशन के लिए जब अल्फ़ाबेट मिलके वर्ड्स बनाते हैं तो हर अल्फ़ाबेट को हम एक फोनेटिक सिस्टम के तहत एक साउंड दे देते हैं एक साउंड प्रोवाइड कर देते हैं उसको तो वो जो साउंड सिस्टम है वो जो मेथड है साउंड सिस्टम से जो है डिकोड करने का किसी वर्ड को या रीड करने का वो जो है फोनिक सिस्टम कहलाता है एंड टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन टू स्पेसिफिक साउंड द सी एल साउंड एंड द जी एल साउंड सी एल साउंड इज क्ल क्ल एंड जी एल साउंड इज ग्ल ग्ल एंड लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज It says, solve the riddles by thinking of words that begin with the CL or GL sound. अच्छा अब आपको क्या करना है Riddles जो है वो solve करनी है Riddles क्या होती हैं पहेलियाँ अब Riddles को किस तरह solve करना है नीचे एक statement दी गई है ठीक है There is a statement given and you have to think about what this word can be. ठीक है ये word क्या हो सकता है ये सोचना है आपको अच्छा कि जितने भी नीचे रिडल्स हैं इन सब के जो भी आंसर्स होंगे जो भी सॉल्यूशंस हैं दे ऑल स्टार्ट विद द सी एल और द जी एल साउंड या तो वो सी एल साउंड से स्टार्ट होंगे या जी एल साउंड से स्टार्ट होंगे सो एनी ऑफ दोज टू ठीक है सो आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट आफ्टर एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट आई विल गिव यू आई विल काउंट टू थ्री मैं तीन तक गिनूंगा आपको ये स्टेटमेंट समझाने के बाद और I want you to try and come up with the answer. Try to solve this by yourself. Okay? And after three, after counting to three, I will reveal the answer. Okay? अब होगा ये कि जब पहले मैं statement समझा दूँगा आपको क्या है, इसका मतलब फिर आपको time दूँगा तीन तक गिनूँगा. अच्छा, तीन तक गिनने के बाद मैं answer को reveal करूँगा. Okay? अब अगर आपका आंसर ठीक है तो वेल एंड गुड इफ नॉट देन बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड ट्राई अगेन सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन इज दीज आर इन द स्काई दीज आर इन द स्काई ये आसमान में होते हैं एंड दीज डेज नाउडेज यू विल सी देम अ लॉट इन कराची व्हाई बिकॉज इट्स द रेनी सीजन व्हाट दे डू इज दैट दे ब्लॉक द सन दे कवर द स्काई And they provide a soothing shade. ये जो है बिखर जाते हैं और sun को जो है वो block करते हैं और हमें shade provide करते हैं अच्छा ये क्या है I'll count till three. Come up with an answer. One, two, and three. So if your answer was clouds, then you were correct. The answer is clouds. C-L-O-U-D-S Again, the sound of C-L is cl, clouds. Achha, next one. Next one, number two, is you wear these in your hands. Aap inko apne haathon mein pehante hain. Theek hai? Achha, when it's the winter season and it gets really cold and your hands feel really cold, you wear these to warm your hands. What are they? जब विंटर सीजन आता है और आपके हाथ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं ठंडे हो जाते हैं तो आप जो है अपने हाथ को वार्म करने के लिए यानी गर्म करने के लिए इनको पहनते हैं व्हाट आर दीज आई काउंट टिल थ्री कम अप विद एन आंसर वन टू एंड थ्री सो द आंसर इज ग्लव्स द आंसर इज ग्लव्स जी एल ओ वी ई एस ग्लव्स आंसर है ग्लव्स ग्लव्स दस्ताने हाथ में पहनते हैं ओके नंबर थ्री द नेक्स्ट वन इज इट इज समथिंग यू वेयर ऑन योर बॉडी ये वो चीज है जो आप अपनी बॉडी पे पहनते हैं दिस इज समथिंग दैट वी वेयर टू कवर आवर बॉडीज दे कम
इन डिफरेंट शेप्स, इन डिफरेंट साइजेस, इन डिफरेंट कलर्स. सो व्हाट आर दे? आई विल काउंट टिल थ्री, कम अप विद एन आंसर. वन, टू एंड थ्री. नाउ इफ योर द आंसर इज क्लोथ्स. अब अगेन दिस वर्ड स्टार्ट्स विद ए सी एल साउंड, क्लोथ्स. तो कपड़े, कपड़े हैं वो जो हम अपनी बॉडी पे पहनते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज दिस इज क्लियर एंड क्रिस्टल. अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, इसके आर पार आप देख सकते हैं, ये आपकी विंडोज में भी होती है. व्हाट आर दे? I'll count to three. One, two, and three. The answer is glass. Glass. Shisha. Glass. G-L-A-S-S. Glass. Now, the last one or the fifth one is this can be used to stick things together. This can be used to stick things together when you're trying to stick pictures to your wall or to your notebook. What do you use? Think about it. I'll count to three. Come up with an answer. One, two, and three. The answer is glue. G-L-U-E, glue. Yes. So, now I hope that you were able to come up with most of these, and I want you to do this in your books. And the sound of CL and GL, I hope you will remember the sounds of CL and GL. Till next time, Allah Hafiz.